Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस के लिए अगर आपको एक नया थीम चाहिए जो कि अप्लाई करने के बाद आपका फ़ोन का लुक और UI को चेंज कर सकता है, तो डेफिनेटली आपको ये थीम एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर आपको ये थीम और ये वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, ये थीम अप्लाई करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लुक देखने मिल जाएगा होम स्क्रीन में। अब गूगल का फोल्डर में सभी आइकन्स चेंज हो जाता है, आइकन का आपको शेप अच्छा देखने मिलता है, काफ़ी अच्छा आपको आइकन्स देखने मिल जाएगा होम स्क्रीन, और सिस्टम ऐप्स में भी सभी आइकन्स चेंज होता है वो देखने मिल जाएगा। आइकन काफ़ी अच्छा आइकन पैक और कलरफुल आइकन्स है, ऑलमोस्ट सभी आइकन्स चेंज हो जाता है, साथ साथ आपको काफ़ी अच्छा लुक भी देखने मिल जाएगा होम स्क्रीन में। वॉलपेपर भी चेंज हो जाता है और इसमें आपको बजट में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ बजट देखने मिलता है। कंट्रोल सेंटर काफ़ी प्रीमियम है, अब काफ़ी अच्छा जो इसमें टॉगल्स देखने मिलता है, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन देखने मिलता है, रेड ब्लैक, और ट्रांसपेरेंसी भी ठीक ठाक है, और ओवरऑल काफ़ी प्रीमियम कंट्रोल सेंटर है। और अगर आप जाएगा बाकी जैसे कि सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में भी आपको चेंजेस देखने मिलता है। यह आपका थीम बस डार्क मोड सपोर्ट करता है, तो लाइट मोड अगर अनेबल है तो डार्क मोड अनेबल करो और फिर आपको चेंजेस देखने मिलेगा। सेटिंग्स में सभी टॉगल्स चेंज हो जाते हैं जो काफ़ी अच्छा बात है। बट अबाउट फोन डिटेल इन्फो एंड स्पेक्स, फिर आपका डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, और बाकी आपका जो है फिंगरप्रिंट, फेस डाटा और स्क्रीन लॉक, ये सब में चेंजेस होना चाहिए था, बट UI में चेंजेस नहीं देखने मिलता इस थीम में। बस खाली आपको इसमें जो मेन सेटिंग्स का जो टॉगल्स है वो चेंजेस देखने मिलेगा, और कहीं पे भी आपको UI में चेंजेस नहीं देखने मिलेगा। एडिशनल सेटिंग्स हो गया, बाकी साउंड वाइब्रेशन हो गया, और भी आपको ऑप्शंस में कहीं पे भी चेंजेस नहीं देखने मिलेगा। डायलर मैसेजेस आप चेंज हो जाएगा अगर आपका डिवाइस में जो है हाइपरवाइज का डायलॉग मैसेजेस ऐप है। वॉल्यूम स्लाइडर भी चेंज हो जाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे को पर्सनली वॉल्यूम स्लाइडर और कंट्रोल सेंटर काफ़ी अच्छा लगा, एकदम परफेक्टली कस्टमाइज है, कहीं पे भी कुछ भी कमी नहीं देखना मिलता है। और अगर आपको ऐसा चाहिए था तो डेफिनेटली आपको ये ट्राई करना चाहिए। और अगर आप जाइएगा इसका लॉक स्क्रीन, तो देखो लॉक स्क्रीन में आपको दो पेजेस देखने मिलता है, फर्स्ट और सेकेंड, जो कि फर्स्ट आपको ऐसा देखना मिलता है, सेकेंड में आपको जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का ऑप्शन देखने मिलता है। तो आपको जैसे भी चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए आपको उसमें डबल टैप करना है और फिर आपको एनालॉग और डिजिटल का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। आपको जो भी पसंद आता है उसको सिलेक्ट करो, यूज़ करो, बताओ कैसा लगा आपको ये थीम का लॉक स्क्रीन। वॉलपेपर ठीक ठाक है, मतलब क्वालिटी अच्छा है, लुक भी ठीक ठाक, ना ख़राब भी नहीं है। और अगर आपको ये थीम चाहिए, जाओ थीम स्टोर में सर्च करो, जैसे सर्च कीजिएगा थीम स्टोर में जाके जियान, तो आपको ये थीम मिल जाएगा। जाओ सर्च करो, डाउनलोड करो, बताओ कैसा लगा आपको ये थीम जियान। आई होप आपको ये थीम मिल गया होगा। और देखो मेरा तबियत सच में मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मैं वीडियो भी डेली नहीं डाल पा रहा हूँ, और कभी भी डला रहा तो एक डला रहा आज भी। तो आई होप प्लीज़ एक काम करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो, और वेट करो, जैसे मेरा तबियत ठीक होगा बैक हो जाएगा वीडियोस डेली। तो आई होप वो वेट करो, और पसंद आता लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।